इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनली गाइस, सबको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुकाबला देखने में। क्रिकेट के इतिहास में टूर्नामेंट में इस प्रकार से रन चेज पहली बार हुआ है। जी हाँ, 3 ओवर में 50 रन चाहिए थे। आप लोग सोच सकते हैं 3 ओवर में लगभग 50 रन के आसपास रन चाहिए थे और विराट कोहली स्ट्राइक पे थे। विराट कोहली ने क्या ज़बरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है और बल्लेबाजी जब मैच जीतने के बाद जो सेलिब्रेशन था, वो सेलिब्रेशन सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जी हाँ, काफ़ी इमोशनल हुए विराट कोहली, काफ़ी इमोशनल हुए हार्दिक पांड्या, साथ में रोहित शर्मा ने जी हाँ आते ही विराट कोहली को उठा लिया। आप लोग देख सकते हैं और काफ़ी मज़ेदार ये मोमेंट था, काफ़ी मज़ेदार ये मुकाबला था। सबको मुकाबला काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि विराट कोहली ने क्या ज़बरदस्त, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। विराट कोहली की जो बल्लेबाजी थी वो बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। जी हाँ, बाबर आजम ने भी कहा कि पूरा जो गेम था, पूरा जो मैच था, वो विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने बिल्कुल पलट सा दिया क्योंकि जो भी गेंदबाज आ रहे थे विराट कोहली से सिर्फ रन ही खा रहे थे। जी हाँ, विराट कोहली ने छक्के चौके की बरसात कर दी थी और बहुत ही ज़बरदस्त नाबाद 82 रन बनाए, 82 रन बनाए। ऐसा लग रहा था एक समय कि विराट कोहली के लिए जी हाँ रन कम पड़ जा रहे थे क्योंकि विराट कोहली का जो बल्ला था वो रियल में माशाअल्लाह था, क्योंकि विराट कोहली की जो बल्लेबाजी थी बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए विराट कोहली की ये बल्लेबाजी देखकर। सब लोग विराट कोहली की तारीफें कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तारीफें कर रहे हैं। और T20 वर्ल्ड कप जी हाँ 2021 का जो बदला है वो ज़बरदस्त तरीके से टीम इंडिया ने लिया, बहुत ही शानदार तरीके से लिया। और क्या ये जीत थी, जी आप लोग सोच सकते हैं एक समय जो रन रेट थी, रिक्वायर्ड रन रेट थी 20 से भी ऊपर जा चुकी थी, 20 से भी ज़्यादा रिक्वायर्ड रन रेट जा चुकी थी। जी हाँ, विनिंग परसेंटेज पाकिस्तान की 99% दिखाई जा रही थी। आप लोग सोच सकते हैं 99% पाकिस्तान की विनिंग रेट दिखाई जा रही थी, लेकिन आखिरकार जब विराट कोहली थे तो पूरे भारतीयों को जो उम्मीद था ना वो 1000% था। जी हाँ, भारतीय जितने भी भारतीय थे सबकी उम्मीद जो थी ना वो 1% भी कम नहीं हुई थी क्योंकि बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त उम्मीद था सबको विराट कोहली से। और फाइनली विराट कोहली ने उस उम्मीद को पूरा किया और क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी विराट कोहली ने करी। जी आप लोग सोच सकते हैं गेंदबाजी तो पाकिस्तान से काफ़ी अच्छी हो रही थी और जो विराट कोहली का जो बल्लेबाजी था ना सारी अच्छी गेंदबाजी पे पानी फेर चुका था। आप लोग सोच सकते हैं 34 रन पे 4 विकेट था और 144 रन पे भी 4 ही विकेट था क्योंकि विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने ज़बरदस्त पार्टनरशिप की, बहुत ही शानदार पार्टनरशिप की। आखिरी के ओवर में चाहिए थे 16 रन और विराट कोहली ने ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से जीत दिलाई। जी हाँ, छक्के भी लगाए आखिरी के ओवर में और विराट कोहली का जो बल्लेबाजी रहा वो बहुत ही शानदार रहा। विराट कोहली का जो माइंड सेट रहा बहुत ही ज़बरदस्त रहा। आप लोगों ने देखा होगा कि 9 बॉल में जब विराट कोहली जी हाँ बोल्ड हुए तो विराट कोहली ने उसमें 3 रन ले लिए। किस प्रकार से माइंड का यूज़ विराट कोहली ने किया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से माइंड का यूज़ किया। और विराट कोहली को पूरा क्रेडिट जाता है इस मैच का क्योंकि विराट कोहली ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया क्योंकि जो पिच पूरी थी, वो जो पिच थी ऑस्ट्रेलिया का जो पिच है वो गेंदबाजी पिच था। पाकिस्तान ने पहले कहा भी कि अगर हम 160-170 रन बनाते हैं तो इनफ होता है, 159 रन बना करके 160 रनों का टारगेट भी भारत को मिल चुका था। और स्टार्टिंग में तो पाकिस्तान की जो गेंदबाजी रही वो बहुत ही अच्छी रही, लेकिन जब विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए तो विराट कोहली ने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जितनी भी बेहतरीन गेंदबाजी थी सब पे पानी फेर दिया। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप लोग विराट कोहली की बल्लेबाजी कैसी लगी। मैं फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।